दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय होटल कारा। ज्ञान ठाकुर, देश व प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरूरी है और बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइज करें ताकि हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकें। घरों से जरूरी काम के लिए ही निकलें, नहीं तो घर पर ही सुरक्षित रहें। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व श्री जयराम ठाकुर सरकार द्वारा लोगों का आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इनका पालन करें। जीवन अनमोल है, जीवन सुरक्षित रखने के लिए सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें। धन्यवाद। जय भारत। बीबीएन में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार सुबह कोरोना पॉजिटिव के 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें बद्दी के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे माँ बेटा और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रही प्रवासी महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसके साथ ही बीबीएन में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। प्रशासन ने एहतियातन बद्दी की कॉलोनी और क्वारंटाइन सेंटर को सैनिटाइज करते हुए क्षेत्र के आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। 30 वर्षीय प्रवासी महिला 22 मई को यूपी से पिकअप में बद्दी पहुंची थी, जबकि मां बेटा रामशहर के कहूं से है और 17 मई को दिल्ली से लौटे थे। तीनों संक्रमितों को कोविड अस्पताल काठा शिफ्ट कर दिया गया है। आज हमारे नालागढ़ उपमंडल के बद्दी क्षेत्र में 3 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से कि 2 जो केस थे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे, सन सिटी इंडोर स्टेडियम बीबीएनडीए में, और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से थी। और जो तीसरा केस था वो एक प्रवासी महिला थी जो कि रेंडमली अपने टेस्ट करवाने सीएचसी बद्दी गई थी और उनको पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था। जैसे अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 22 तारीख को तो ये शामली यूपी से आई थी और किस रास्ते से कैसे आए ये सारी चीज़ें जो है अंडर कंसिड्रेशन है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जिस तरह से प्रोटोकॉल के हिसाब से एरिया को सील किया गया है और सैनिटाइज किया गया है और जो भी सावधानियां हैं वो सारी बरती जा रही है। और इस प्रवासी महिला के पति का भी टेस्ट सैम्पलिंग ली गई थी और एक अच्छी बात है कि इनका सैम्पलिंग जो है वो नेगेटिव आई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बद्दी से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। बीबीएन क्षेत्र का पहला कॉर्पोरेट लग्जरी होटल होटल कारा, जो कि नालागढ़ रूपड़ रोड पर स्थित है। 38 कमरों से सजे इस होटल में हर कमरे के साथ बालकोनी है जो ग्रीनफील्ड और पहाड़ियों का व्यू दर्शाती है। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, स्पेशल हवेली ढाबा रेस्टोरेंट, 2 बैंकेट हॉल, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल, 2 बार और एक बहुत बड़ा लॉन। हिमाचल का पहला होटल है जिसमें आने वाले समय में डिस्को टेक भी होगा और माइक्रो ब्रूरी भी होगी। होटल कारा के पास अपना खुद का सैलून, स्पा और एक शॉपिंग मॉल भी है। कोविड-19 को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल प्रशिक्षित तरीके से किया जाता है। होटल के स्टाफ को कोविड-19 के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी गई है। आपको सारा स्टाफ मास्क, फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए नजर आएगा। होटल में बुकिंग करने के लिए संपर्क करें